Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, I'm Irfan Haleem, your maths teacher from PMS Boys 6. This is lecture number 6, part 1 for class 10, in which we are going to teach you exercise 1.3. Exercise 1.3 is totally based on radical equation. Now, what is radical equation? So radical equation is an equation in which the variable appears in one or more radicands is called radical equation. For example, yahan par aap log dekh sakte hain, ye hamare paas radical equation ka hai definition. है ये हमारे पास इसका एग्जांपल है एक कि हमारे पास ये देखिए ये वेरिएबल x plus 2 हमारे पास एक रेडिकेंड ये हमारे पास रेडिकेंड मतलब रेडिकल के अंदर आए हैं तो इसलिए इस इक्वेशन में x plus 2 equal 3 और यहां पर ये देखिए रेडिकल सिंबल इन्वॉल्व है तो इसलिए इसको हम एक रेडिकल इक्वेशन कहते हैं ये भी हमारे पास एक रेडिकल का एग्जांपल है इक्वेशन का ये भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल है नाउ लेट मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.3 सो फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ओके Before going to solve this question, let me tell you about the radical equation. There is some rule for solving radical equation. Radical equation ko jab hum solve karte hain, to pehle isko hum quadratic equation ya kisi aur equation mein transform karte hain, aur phir usko hum uske roots find karte hain. To isiliye un roots ke liye phir hum ye verification karte hain. Zaruri hai. Radical equation mein verification zaruri hai. Chahe agar aap log ko question mein kaha hai ya nahi kaha hai. मांगा है आप लोगों से या नहीं मांगा है आप लोगों ने वेरिफिकेशन जरूर करना है क्योंकि उसमें हमारे पास बास टाइम इस तरह रूट आ जाते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो जो रूट ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं और जो रूट ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम रियल रूट कहते हैं और वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में फिर आएंगे वो रूट्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट में भी आएंगे ठीक है अच्छा तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.3 का अंडर रूट 5x प्लस 21 इक्वल x प्लस 3 तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में क्वेश्चन को पहले रिपीट करते हैं फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही होता है इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दिया है फर्स्ट स्टेप में ही अब हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमने दोनों साइड का स्क्वायर लेना है तो यहां पर हमारे पास स्क्वायर ले आ गया है और यहां पर भी होल स्क्वायर आ गया है अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा हमारे पास 5x + 21 आ जाएगा और यहां पर x + 3 तो यहां पर a की जगह पर x है b की जगह पर 3 है और प्लस है बीच में तो मतलब a + b होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होता है तो वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है तो यहां पर इस पर यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह पर 3x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला आ जाएगा a की जगह पर x और b की जगह पर 3 आ जाएगा अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो x स्क्वायर तो अपनी जगह पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 6 6x आ जाएगा और ये 5x प्लस 21 अपनी जगह पर आ जाएगा अच्छा अब यहां पर ये 5x plus 21 इनको हम इक्वेशन के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देते हैं मतलब राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो यहां पर हमारे पास 0 रह जाएगा और यहां पर ये 5x और plus 21 ये दोनों दूसरे साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे प्लस थे तो ये माइनस में आ जाएंगे ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं माइनस 5x और माइनस 21 आ गया है और ये x square plus 9 plus 6x अपनी जगह पर आ जाएगा ठीक है अब यहां पर 0 अपनी जगह पर इक्वल x square अपनी जगह पर और यहां पर थोड़ा सा हमने अरेंज किया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको कहते हैं जिसमें x का वेरिएबल का पावर एक-एक छोटा होता जाता है तो यहां पर स्क्वायर था यहां पर 1 है और यहां पर फिर 0 है ठीक है अब x स्क्वायर तो प्लस 6x और माइनस 5x आ गए प्लस 9 और माइनस 21 आ गए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तो हमारे पास ये 0 इक्वल x स्क्वायर और यहां पर हमारे पास प्लस x आ जाता है माइनस 12 आ जाएगा ठीक है 9 माइनस करेंगे 21 से तो 12 आ जाएगा और साइन ऑफ ग्रेटर टर्म माइनस आ जाएगा अब यहां पर हमारे पास ये रेडिकल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ठीक है तो इसको थोड़ा सा रोटेट किया है मैंने x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 को मैंने लेफ्ट साइड पर लिखा है इक्वल 0 को मैंने राइट साइड पर लिख लिया है अच्छा तो हमारे पास अब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं हमारे पास 3 मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए तो हमारी मर्जी है जिससे भी आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लेकिन वो मेथड हम यूज करेंगे जो हमारे लिए इजी हो तो हम पहले फैक्टराइज से चेक करते हैं फैक्टराइजेशन से हमारे पास होता है x प्लस x की
जगह पर मैं 4x plus 4x minus 3x लिख सकता हूं क्योंकि मैं इनको ऐड करता हूं तो यही plus x आता है और मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट इससे आता है इन 4x minus 3x से इन दोनों का प्रोडक्ट आता है अच्छा तो हमारे पास अब इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में minus 3 कॉमन है तो इन दोनों से हमने x कॉमन लिया है तो यहां पर रह गए x plus 4 रह गए इन दोनों से minus 3 हमने कॉमन लिए तो x plus 4 यहां पर भी रह गए इक्वल 0 अपनी जगह पर आ गए अब इसमें x plus 4 इन दोनों में x plus 4 कॉमन है वो हमने कॉमन लिया है तो यहां पर रह जाएगा x minus 3 रह जाएगा इक्वल 0 नाउ ईदर वन शुड बी इक्वल टू 0 x plus 4 इक्वल टू 0 और ये x minus 3 भी इक्वल टू 0 हो गए अब यहां पर फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर 4 शिफ्ट हो जाएगा तो -4 0 -4 से -4 ही आता है x equal -4 और ये -3 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये +3 बन जाएगा ठीक है अब हमारे पास ये रूट्स नहीं है क्योंकि अब ये पहले स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिए कि हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स हैं ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए ये इसके रूट्स हैं ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे पास है ये क्वेश्चन ये वाला इसके रूट्स नहीं है तो इसीलिए हमने पहले इसको वेरीफाई करना है वेरीफाई करेंगे कि अगर उसको सेटिस्फाई करता है ओरिजिनल इक्वेशन को तो फिर वो रियल रूट होगा नहीं करता तो फिर वो एक्सट्रेनियस रूट होगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं होगा ठीक है रियल रूट हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आएगा तो चले वेरिफिकेशन करते हैं पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1 में हमने पुट किया सो 1 इंप्लाइज दैट 5 अपनी जगह पर आ गए x की जगह पर -4 plus 21 अंडर द रूट इक्वल x की जगह पर -4 plus 3 आ गए इसको सॉल्व करें तो -20 plus 21 आ जाएगा मल्टीप्लाई करें मतलब इक्वल -4 plus 3 से -1 आ जाएगा इनको सॉल्व करते हैं तो 1 आ जाएगा अंडर द रूट इक्वल -1 अपनी जगह पर आ जाएगा 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल होता है -1 अपनी जगह पर आ जाएगा तो ये देखें 1 इक्वल -1 आ गए तो ये मतलब अनइक्वल आ गए हैं फॉल्स है गलत है सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसलिए x इक्वल -4 जो है ये हमारे पास कौन सा रूट है एक्सट्रेनियस रूट है ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा नाउ वी हैव टू चेक फॉर x इक्वल टू 3 तो इसको हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में 1 इंप्लाइज दैट 5 अपनी जगह पर x की जगह पर 3 आ गए प्लस 21 अपनी जगह पर अंडर द रूट इक्वल x की जगह पर 3 आ गए प्लस 3 हमारे पास क्वेश्चन में दिया था अपनी जगह पर आ गए अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15 प्लस 21 आ जाएगा अंडर द रूट इक्वल 3 प्लस 3 6 आ जाएगा इनको ऐड करें 36 अंडर द रूट इक्वल 6 आ जाए अंडर 36 का अंडर रूट 6 के इक्वल होता है इक्वल 6 अपनी जगह पर आ जाएगा सो ट्रू इसका मतलब कि ये x इक्वल टू 3 ये हमारे पास इसका कौन सा रूट है रियल रूट है सो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ 3 आएगा -4 नहीं आएगा नाउ सेकंड पार्ट जो है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट है तो वो आप लोग का होमवर्क हो गया है थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है लेकिन चलें वो भी मैं आप लोग को इधर बताता हूं मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए सो थर्ड पार्ट सेम वी हैव टू रिपीट क्वेश्चन इन सॉल्यूशन एंड नेम दिस इक्वेशन 1 इसको हमने 1 का नेम दिया है नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इन इस इक्वेशन 1 का हमने दोनों साइड पर स्क्वायर लेना है तो हमारे पास ये आ जाएगा 4x plus 5 अंडर द रूट होल स्क्वायर इक्वल 2x minus 5 होल स्क्वायर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हमारे पास आ जाएगा 4x plus 5 और यहां पर अब देखिए a की जगह पर हमारे पास 2x है b की जगह पर हमारे पास 5 है और बीच में हमारे पास माइनस साइन यूज हुआ है तो मतलब हमने a minus b होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना है और वो इक्वल होता है a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2ab तो a की जगह पर 2x b की जगह पर 5 स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2 फार्मूले वाला एक जगह पर 2x और बी की जगह पर हमारे पास 5 आ जाएगा और यहां पर 2x होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर फार्मूले वाला है ठीक है अच्छा तो 4x plus 5 अपनी जगह पर आ जाएगा इसको सॉल्व करते हैं ये स्क्वायर दोनों के लिए 2 के लिए भी है x के लिए भी है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल होता है और इसको सॉल्व करें 2 2 जा 4 4 5 जा 20 x आ जाएगा अब हमारे पास यहां पर आ गया है ये आ गया हमारे पास अब ये सारे एक ही साइड पर शिफ्ट करेंगे बिल्कुल सेम टू क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ठीक है तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा और यहां पर हमारे पास सिर्फ 0 रह जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 5 25 माइनस 20x अपनी जगह पर आ गए हैं और ये 4x 5x 4x plus 5 यहां पर शिफ्ट किए तो इनके साइन चेंज हो गए -4x -5 आ गया है अब इसको थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं अरेंज किया है हमने तो 4x 0 अपनी जगह पर इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 20x -4 आ गया प्लस 25 -5 आ गया इसको ऐड करें ऐड सबट्रैक्ट माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाए 0 अपनी जगह पर
इक्वल फोर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। ये सेम साइन हो तो प्रोसेस एडिशन होता है और साइन वही लगता है, तो माइनस साइन लग गया है और 24x आ गया है। तो डिफरेंट साइन हो सब्ट्रैक्शन होता है और साइन ग्रेटर टर्म का लगता है, तो प्लस 20 आ गए। अब इनमें 4 हमारे पास कामन है तो 4 हमने कामन ले लिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 आ गए और यहाँ पर 0 अपनी जगह पर आ गए। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब ये 4 को डिवाइड करें दोनों साइड पर, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, तो हमारे पास 0 बाय 4 इक्वल 4 डिवाइड 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डिवाइड बाय 4, और 4 कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 रह गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 रह गया है और 0 बाय 4 से 0 आता है। अब इसको परफेक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल, तो फैक्टराइज करेंगे हमारे पास माइनस 6 की जगह पर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 5x और इक्वल प्लस 5 अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर और 0 अपनी जगह पर इक्वल। तो अब इसमें हमारे पास 0 अपनी जगह पर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स कामन है वो हमारे पास आ जाए, वो कामन लेंगे एक्स तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 5 कामन लेंगे तो एक्स माइनस 1 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इन दोनों में एक्स माइनस 1 कामन है तो वो हम लेंगे, एक्स माइनस 5 रह जाएगा और 0 अपनी जगह पर। नाउ ईदर वन शुड बी इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 को भी हमने 0 के इक्वल ले लिया है और एक्स माइनस 5 को भी हमने 0 के इक्वल ले लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज फॉर एक्स, तो माइनस 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 बन जाएगा, माइनस 5 उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5 बन जाएगा। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दीज टू वैल्यूज फॉर ओरिजिनल इक्वेशन, तो पुट 1x इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, पहले 1 को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं 1 हमने पुट किया है, सो 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट कि हमारे पास अंडर रूट 4 अपनी जगह पर x की जगह पर 1 प्लस 5 आ गए इक्वल 2 इंटू 1 माइनस 5 आ गए हैं, ये 1 हमने x की जगह पर पुट किया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 1 जा 4 प्लस 5 आ गए इक्वल टू 1 जा 2 माइनस 5 आ गए, इसको ऐड करें 9 अंडर रूट आ जाएगा इक्वल 2 माइनस 5 से माइनस 3 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 के इक्वल होता है और माइनस 3 अपनी जगह पर, तो ये दोनों अन इक्वल आ गए, तो मतलब ये फॉल्स हैं। तो इसका मतलब ये x इक्वल 1 जो है ये हमारे पास इसका एक्सट्रेनियस रूट है, ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। नाउ वी हैव टू चेक फॉर x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, सो 1 इंप्लाइज दैट 4 इंटू 5 प्लस 5 इक्वल 2 इंटू 5 माइनस 5, ये हमने x की जगह पर ये 5 पुट किया है, सो 5 4 जा 20 प्लस 5 और 2 5 जा 10 माइनस 5 अपनी जगह पर इक्वल अपनी जगह पर आ जाएगा, 20 प्लस 5 25 आ जाएगा अंडर रूट इक्वल 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होता है, 5 अपनी जगह पर ये हमारे पास ट्रू आ गए। इसका मतलब कि x इक्वल 5 ये इसका रियल रूट है और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ रियल रूट आता है, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ 5 आ गया है। ठीक है, अच्छा नाउ 4 नंबर पार्ट जो है आप लोग के पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 पार्ट की तरह है, वो आप लोग का होमवर्क है, ये दोनों पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं, ये दूसरा और तीसरा पार्ट जो है ये आप लोग का 4 पार्ट ये आप लोग का होमवर्क है। नाउ 5th पार्ट हमारे पास है, इसको अब हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन में तो हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, इक्वेशन 1 का नेम हमने दिया है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये पूरा टर्म ए है और ये पूरा टर्म बी है, ये देखो तो पहले तो दोनों साइड का हमने स्क्वायर ले लिया है, तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर और यहाँ पर भी होल स्क्वायर, अब ये पूरा टर्म ए है ये पूरा टर्म बी है, तो मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने अप्लाई करना है फार्मूला ये वाला, तो यहाँ पर ए की जगह पर ये देखिए ये आ जाएगा बी की जगह पर ये आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की जगह पर ये आ जाएगा और बी की जगह पर हमारे पास x प्लस 2 अंडर रूट आ गए और यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो हमारे पास 6x प्लस 13 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसी तरह से ये कैंसिल ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर x प्लस 7 x प्लस 2 आ गया है और प्लस 2 अपनी जगह पर, और ये दोनों प्रोडक्ट में है तो रेडिकल दो नंबर प्रोडक्ट में हो रेडिकल में हो तो दोनों को हम एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं अगर अलग अलग हो, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये देखो ये हमारे पास वो प्रॉपर्टी है, दोनों अलग अलग रेडिकल में प्रोडक्ट में है तो हम दोनों को एक रेडिकल, तो इसी तरह ये देखें दोनों प्रोडक्ट में रेडिकल अलग अलग रेडिकल में तो हम इसको एक रेडिकल में लिख सकते हैं। अच्छा तो ये अब हमारे पास ऐड हो जाएंगे x प्लस x
टू एक्स आ जाएगा, ये प्लस नाइन आ जाएगा, प्लस टू अपनी जगह पर आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू ए प्लस सेवन मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू ये हमारे पास आ जाए इक्वल सेक्स एक्स प्लस थर्टीन अपनी जगह पर आ जाएगा, ये टू एक्स प्लस नाइन अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस टू अपनी जगह पर, ये मल्टीप्लाई करते तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और ये सेवन एक्स प्लस सेवन टू ज़ा फोर्टीन आ जाएगा, इक्वल सिक्स एक्स प्लस थर्टीन अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये टू एक्स प्लस नाइन हमने दूसरे राइट साइड पर शिफ्ट करना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा टू अपनी अंडर रूट एक्स स्क्वायर और ये टू एक्स प्लस सेवन एक्स तो ये ऐड होके प्लस नाइन एक्स बन जाएगा, प्लस फोर्टीन अपनी जगह पर आ जाएगा, इक्वल सिक्स एक्स और ये टू एक्स तो ये इधर आके माइनस टू एक्स बन जाएगा, प्लस थर्टीन अपनी जगह पर और ये प्लस नाइन था तो ये इधर आके माइनस नाइन आ गए, इक्वेशन से हमने दूसरे साइड पर शिफ्ट किया इसलिए साइन चेंज हो गए इसके। अच्छा अब इसको टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन वो हमारे पास ये आ गया है और इनको हमने ऐड करें तो इसे फोर एक्स और प्लस फोर आ जाएगा इससे। अच्छा तो ये हमारे पास आ गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा अब इन दोनों में हमारे पास टू कामन है, टू इसलिए कामन ले रहा हूँ कि यहाँ पर भी बाहर टू है मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड पर, डिवाइड बोथ साइड बाय टू तो ये टू डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन अंडर द रूट इक्वल यहाँ पर रह जाएगा टू एक्स प्लस टू रह जाएगा। अब अगेन वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लिया है और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लिया है, ये तो अब वो फर्स्ट पार्ट की तरह बन गया है क्वेश्चन, ठीक है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है और यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आ गया। अच्छा अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन अपनी जगह पर आ जाएगा, ये टू एक्स होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए तो ये फोर एक्स स्क्वायर बन गया प्लस फोर प्लस एट ये मल्टीप्लाई करें तो प्लस एट एक्स बन जाएगा, ये सारे उधर शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जीरो रह जाएगा इक्वल फोर एक्स प्लस फोर प्लस एट एक्स अपनी जगह पर और ये सारे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फोर्टीन आ गया है। अब इसको अरेंज करते तो हमारे पास ये आ जाएगा जीरो अपनी जगह पर इक्वल फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस फोर माइनस फोर्टीन, अब इनको ऐड करें तो हमारे पास ये आज जीरो अपनी जगह पर इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर इनसे माइनस एक्स और माइनस टेन आ जाएगा। अब इसमें इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस नाइन माइनस टेन को मैंने लेफ्ट साइड पर लिख लिया है और जीरो को मैंने राइट साइड पर लिख लिया। अभी हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर ले तो हमारे पास ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टेन इक्वल जीरो, इन दोनों में हमारे पास थ्री एक्स कामन है, इन दोनों में हमारे पास फाइव कामन है, इधर हमारे पास थ्री एक्स हमने कामन लिया तो एक्स माइनस टू, इन दोनों से फाइव हमने कामन लिया एक्स माइनस टू, अब इनमें और इनमें एक्स माइनस टू कामन है वो हमने लिया है तो थ्री एक्स माइनस प्लस फाइव हमारे पास आगे इक्वल जीरो, इधर वन शुड बी इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो, अब एक्स टू इधर हमने शिफ्ट किया माइनस टू था तो वो प्लस टू जीरो प्लस टू एक्स इक्वल टू टू आ गए और इधर हमने प्लस फाइव था तो वो इधर शिफ्ट किया माइनस फाइव आ गए, अब ये थ्री दो जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवीजन में चला जाए तो x इक्वल अंडर x इक्वल फाइव माइनस फाइव बाई थ्री आ गया हमारे पास। अब इसको हम वेरीफिकेशन इसका करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू हमने पुट करना है इक्वेशन वन में, हमारे पास ये आ जाएगा ये देखो टू प्लस सेवन अंडर रूट इक्वल टू प्लस टू इंटू इक्वल टू सिक्स इंटू टू प्लस थर्टीन अंडर द रूट ये ऐड करके नाइन ये फोर आ जाएगा ये ट्वेल्व प्लस थर्टीन आ जाएगा ये अंडर रूट थ्री नाइन जो है थ्री के इक्वल अंडर रूट फोर टू के इक्वल है ये दोनों ऐड करें ट्वेंटी फाइव ये ऐड करो फाइव और इस फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट फाइव तो ये ट्रू आ गए। नाउ इसके लिए पुट एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री इसके लिए चेक करते हैं तो इसके लिए ये देखो मैंने सारा कैलकुलेशन करके किया है आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास फाइव डिवाइडेड बाई अंडर रूट थ्री इक्वल अंडर रूट थ्री आया है ये गलत है हमारे पास आया तो एक्सट्रेनियस रूट तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक रूट आ गया सोल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ टू आ जाएगा जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स भी है ये आप लोग देख सकते हैं ये मैंने इधर सॉल्व किया है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह है ये आप लोग सारा इधर देख सकते हैं ये देखें ये इसी तरह से हमने करना है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ जीरो एक ही आएगा दूसरा इसका एक्सट्रेनियस रूट है एक इक्वल नहीं आ रहे। थैंक यू।